जय हिंद साथियों, स्वागत है फिर से आपका नए वीडियो में। एक शुरू हम बात करने जा रहे हैं कि बच्चों की जो है यानी कि फर्स्ट ईयर हो गया और उसके बाद सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हो गए। एग्ज़ाम के बाद ये होता है कि हाँ आईटीआई के बाद हम क्या कर सकते हैं, कौन कौन से हमारे वे होते हैं यानी रास्ताएँ होते हैं, किन किन रास्ताओं में हम जा सकते हैं। तो उसके लिए जो है हम बताएंगे आपके जो है चार वे हैं यानी कि चार तरीके हैं, चार जगह जो है आप ट्राई कर सकते हैं, कौन बेस्ट रहेगा और उसके बाद जो है आप चारों में से क्या चूज़ करेंगे उसको कमेंट करके नीचे हमें बताएंगे। और उसके बाद आपको पता ही होगा कि इस चैनल पे जो है इसी तरह की वीडियो हम बनाते हैं, जैसे आईटीआई हो गया, रेलवे अप्रेंटिसशिप हो गया, प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब। तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं बात कर लेते हैं आप क्या क्या कौन कौन से रास्ते हैं आपको जो आप कर सकते हैं यानी उन रास्ताओं में जा सकते हैं। सबसे पहले बात करें जो है कैंडिडेट फर्स्ट ईयर के थे और उसके बाद सेकेंड ईयर के थे यानी कि दोनों लोगों के जो है एग्ज़ाम हो गए हैं। एग्ज़ाम के बाद बात आती है कि हाँ रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट का भी बता दिया है कि रिजल्ट की बात करें तो 20 अगस्त को आपको जो है रिजल्ट आ जाएगा। और उसके बाद बात करें कि यानी कि मार्कशीट कब तक आ जाएगी, मार्कशीट की बात करें तो वो भी मार्कशीट जो है यानी सॉरी 17 जो है अगस्त को आपकी जो है ये आ जाएगा ये रिजल्ट, और उसका 20 जो है सितंबर को जो है आपको आ जाएगा मार्कशीट। तो ये ध्यान दीजिएगा रिजल्ट और मार्कशीट आ जाएगी। इसका पे वीडियो भी बना चुके हैं, वो आपने देखा होगा। आप बता देते हैं आपको जो है कौन कौन से रास्ता हैं। सबसे पहले रहता है अप्रेंटिसशिप, आप कर सकते हैं अप्रेंटिसशिप हो गया। और उसके बाद बात करें डिप्लोमा आप कर सकते हैं, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे इस पर, पहले जो है आपको बता देते हैं ऐसे। उसके बाद जो है आप जॉब कर सकते हैं, जॉब के बाद जो है आप CTI या जो है CITS या CITS दोनों एक ही नाम है, पहले CTI था अब CITS नाम हो गया है। पहले बात कर लेते हैं अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप की बात करें, अप्रेंटिसशिप एक्ट जो है आपको बताया था 1961 में आया था। और उसके बाद बात करें कि ये जो है 1961 में एक्ट आया, उसके बाद इसमें जो है आपको प्रैक्टिकल कराया जाता है, प्रैक्टिकल के साथ जो है आपको पैसा मिलता है ये समझ लीजिए। इसमें जो है शिक्षा और उसके बाद जो है पैसा दोनों मिलता है। ये जो है एक साल के लिए रहता है आपका, 1 ईयर का पूरा रहता है। इसके बाद आपको जिस कंपनी से करते हैं, जिस डिपार्टमेंट से करते हैं वो आपको निकाल देता है। जैसे रेलवे की बात करें, रेलवे आपको एक साल कराती है अप्रेंटिसशिप, कोई भी हो एक साल ही कराती है और उसके बाद निकाल देती है। डीआरडीओ के बाद इसरो के बाद जो है भेल हो गया, BHL जिसको कहते हैं, भेल हो गया। और उसके बाद जो है यानी कि HL भी हो गया। और उसके बाद जो है बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां भी कराती हैं, जैसे ऑटोमोबाइल की कंपनी की बात करें तो जो है ये हीरो हो गई, हीरो के बाद बात करें मारुति हो गई, मारुति के बाद बात करें तो जो है ये होंडा हो गई, होंडा की बात बात करें टाटा, ये सब कंपनियां भी कराती हैं। तो जो है आपको बता दें कि आपने जो है यानी कि आईटीआई करने कंप्लीट करने के बाद 3 से 4 वर्ष बाद जो है आप टाइम रहता है, तीन से चार वर्ष में आप कर सकते हैं। इसके बाद आप अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकते हैं। तो आप ये ध्यान दीजिए कि आप जो है पहले आप गवर्नमेंट में तो ट्राई करिए, गवर्नमेंट में नहीं होता है तो आप प्राइवेट सेक्टर में ट्राई करके जो है अप्रेंटिसशिप कर लेना। अब 3 से जो है 4 वर्ष में होता है, उसके बाद ये नहीं होता है अप्रेंटिसशिप। उसके बाद बात करें कि ये जो है डिप्लोमा कर सकते हैं आप, डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा का क्या है, आप डिप्लोमा करते हैं तो आईटीआई के बाद जो है जैसे ही आप डिप्लोमा करते हैं तो आपका जो है ड्यूरेशन पूरा 2 ईयर का हो जाता है। 2 ईयर के होने के बाद, क्योंकि आपकी लेटरल एंट्री होती है, लेटरल एंट्री होने के बाद जो है आप सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन होता है सेकेंड ईयर में। और उसके बाद बात करें आपका सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है तो ठीक रहता है, लेकिन फर्स्ट ईयर के आपको एग्ज़ाम देने रहते हैं, या ध्यान देने वाली बात है, फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम देने वाली बात है आपको। इसमें ध्यान देना, डिप्लोमा आप क्यों करेंगे, डिप्लोमा जो है ऐसा है कि आपको जैसे कि अप्रेंटिसशिप नहीं करना है, इसके बाद जो है
ये है कि हाँ जॉब करना है तो आप डिप्लोमा करेंगे तो ठीक है, बाहर से कर लीजिए, जॉब भी कर लीजिए, नहीं तो जो है आप अप्रेंटिसशिप करिए। डिप्लोमा आपको बता दिया है 2 साल का हो जाएगा, आप किसी से भी कर, मैकेनिकल हो गया आपका, इलेक्ट्रिकल हो गया, किसी से भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद बात करें हम CITS, आप CITS कर लीजिए। जैसे आप CITS करना है तो इसके पहले आप जो है अप्रेंटिसशिप करना ज़रूरी है। आप अप्रेंटिसशिप करेंगे कर लें, आप कर भी सकते हैं CTI पहले, लेकिन जो है अप्रेंटिसशिप आपको पता है कि 3 और 4 साल ITI करने के बाद 3-4 साल में ही करना है, लेकिन ऐसा कुछ इसमें CTI में नहीं है, आप जो है नॉर्मली कर सकते हैं। हाँ, अप्रेंटिसशिप में एक और बात है कि रेलवे की बात करें, रेलवे में जो है एक ये रहता है कि हाँ जो है 20% का कोटा, और उसके बाद ये रहता है कि वैकेंसी में छूट मिलती है एज में, यह ध्यान देने वाली बात है। अब CITS की बात यह है, इसमें जो है 1 साल का पूरा कोर्स रहता है, आप 1 साल करेंगे और उसके बाद जो है आप ITI के इंस्ट्रक्टर बनते हैं। ITI के इंस्ट्रक्टर बनते हैं तो आप किसी, यानी कि वैकेंसी की बात करें, वैकेंसी अभी झारखंड की भी आई थी, बिहार की भी आई थी, और इसी तरह हर आप प्राइवेट में, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, गवर्नमेंट की भी आती हैं इंस्ट्रक्टर की, अब प्राइवेट की भी आती हैं। आगे बात कर लें कि जॉब आप जो है जॉब कर सकते हैं। जॉब की बात करें कि आपको हम बताते ही रहते हैं, प्राइवेट हो गई, मारुति हो गई, और उसके बाद हीरो, और उसके बाद होंडा, जितने भी कैंपस ITI आपको पता है कि इंजीनियरिंग की जो है सबसे छोटी यूनिट रहती है, तो आप जॉब भी कर सकते हैं। आपको बता ही दिया है 18 से 26 रहते हैं तो अच्छी कंपनियों में, यानी ऑटोमोबाइल के सेक्टर में जा सकते हैं, जैसे बता ही दिया हीरो हो गई, होंडा हो गई, टाटा हो गई, और मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी की बात करें जो सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाली है, तो बहुत सारे बच्चे इसमें परेशान रहते हैं, तो परेशान नहीं है, प्रॉपर वीडियो बना चुके हैं कि जो है आप कैसे ज्वाइन करेंगे, उसको भी आप देख लीजिए चैनल पर विजिट करके। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, अपने जो है साथी के साथ शेयर करिएगा, उसको भी पता चले कि जो है आप क्या क्या कर सकते हैं ITI के बाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।